अरे ये दुनिया, ये महफिल मेरे बाप की नहीं, मेरे बाप की नहीं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से ही होंगे। आज मैंने बोला कि थोड़ी सी गपशप कर देते हैं आप लोगों से, काफ़ी दिन हो गए गपशप नहीं की। अच्छा, तो बात दरअसल ये है कि आज जो है ना, मैं एक दोस्त से मैं मिला जो जिसका दूध का काम है, दूध की दुकान है, दूध बेचता है। मैंने उससे बोला, भाई ये तुम 80-85 किलो दूध कैसे कर देते हो? तुम्हारी भैंस तो जो है ना 20 किलो देती है। तो वो बोलने का, भाई उसको फिर दुकान में जाके लंबा पानी भी तो करना पड़ता है, जब भी तो 80 किलो बेचने के बाद भी 4-5 किलो में बचा देता हूँ। समझ गए ना? हाँ, चलते हैं अपनी वीडियो की जानी पे और देखते हैं आज कौन सा स्पीकर खोलने वाले हैं और फाड़ने वाले हैं और बजाने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको मैं बता दूं कि ये नई कंपनी आई है मार्केट में। ये जो है मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला भाई इसके अनबॉक्सिंग करके दिखाओ। वो थोड़े जो है ना नए इस कंपनी में आए हैं, तो नाम नहीं लूँगा। और उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, बाकी चीज़ भी देखते हैं किस तरीके की है। भाई ये आईटेल कंपनी है, तो ये आईटेल के मोबाइल वगैरह आते थे, अब ये जो है स्पीकर की मार्केट में भी खुद गए और 4 मॉडल लेके अभी खुद हैं। अब देखते हैं आगे किस तरीके के ये मॉडल लेकर आते हैं, कैसे लेकर आते हैं। और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट इन्होंने बनाई है, मैंने देखी। और साउंड भी मैंने चेक किया, काफ़ी अच्छा साउंड था। और रेट भी थोड़े से जो है देखेंगे किस तरीके के रेट थोड़े से ऊपर हैं, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में ये अपने मार्केट रेट में लेकर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मोबाइल में नाम अपना कमाया है, इस तरीके से स्पीकर में भी कमाएंगे। और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, और टाइम तो वैसे ज़्यादा आपका हो ही गया जी। ये दोस्तों, ये आईटेल कंपनी का ये स्पीकर है, ट्रॉली स्पीकर है, ITLDJ1800TWD। ये इनका पूरा मॉडल नंबर है और ये काफ़ी अच्छे लुक में बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत बॉडी बनाई है। और जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगा तो मतलब डब्बे में से निकाल के दिखाऊँगा, तो आप खुद बोलेंगे हाँ चीज़ अच्छी है, एक नए से लुक में है। ये कोई पुराना लुक नहीं है कि वही जो है जो पुराने जैसे आर्डियोनिक के मॉडल हैं उनको इन्होंने अपना टैग लगा के इंट्रोड्यूस करवा दिया, नहीं थोड़ी सी अलग इन्होंने बॉडी बनाई है, सिस्टम भी थोड़ा सा अलग बनाया है। और बाकी जब निकालेंगे देखेंगे और चेक करेंगे इसका साउंड, माइक का साउंड, ब्लूटूथ, तो फिर आपको डेफिनेटली पता चल ही जाएगा कि क्या चीज़ है। तो भाई चलते हैं और देखते हैं इसके डब्बे में क्या है, किस तरीके का साउंड है। भाई ये आ गया इसका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। स्पीकर ड्राइव साइज बेस ट्रेबल 8 इंच का इसमें उन्होंने स्पीकर दिया हुआ है। डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी, सीरियल रेशियो, डिस्टोर्शंस, डिवाइस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। ब्लूटूथ बताया हुआ है, डिजिटल FM बताया हुआ है और सब चीज़ें इसमें बताई हुई है, रेडियो, FM फ्रीक्वेंसी और ब्लूटूथ की रेंज, पावर सप्लाई, पावर कंजप्शन 40 वाट, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। पैकिंग कंटेनिंग बताया हुआ है, सब वूफर एक दिया हुआ है, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, ऑडियो केबल, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस माइक, ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें इसमें इन्होंने, सब चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। बाकी देखते हैं इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। ये दोस्तों, ये मैंने अनबॉक्स कर दिया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत एक यूनिक सा मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। और काफ़ी जो है इसमें इन्होंने वेट वगैरह का भी काफ़ी बताया हुआ है, 2 हैंडल दिए हुए हैं और एक ये इन्होंने ट्रॉली का बताया हुआ है। और इसमें ऐसी सीरीज़ देख लेते हैं किस तरीके की हैं, ऐसी सीरीज़ क्या है, क्या सिस्टम है। ऐसी सीरीज़ में मिल जाता है, ये रिमोट मिल जाता है, काफ़ी रिमोट की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड है और ये माइक है और ऑक्स लीड दी हुई है और ये रहा चार्जर दिया हुआ है। चार्जर भी आप देख सकते हैं, जो 15 वोल्ट 2 एम्पीयर जो लिखा हुआ था वही निकल रहा है। और ये देखें, इसमें इसकी आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी इसमें इन्होंने जो है लोहे की ग्रिल दी हुई है और ये छेद, ठीक है, बेस पार्ट का इसमें दिया हुआ है। और ये काफ़ी जैसे वुड में बनाया हुआ है, काफ़ी एक अच्छी सी इन्होंने लुक बनाई हुई है। और बाकी इसमें ये देख सकते हैं जी, ये ऑक्स का दिया हुआ है, ये 3 माइक, 2 माइक के दिए हुए हैं, ये गिटार का सिस्टम दिया हुआ है
और ये यूएसबी का दिया हुआ है, और इसमें इन्होंने एसडी कार्ड बड़ा कार्ड का दिया हुआ है, चार्जिंग का बताया हुआ है, पावर का है, ट्रेबल का दिया हुआ है इसमें इन्होंने, और ये बेस का दिया हुआ है, और ये बटन दिए हुए हैं, और ये डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ से भी इसमें इन्होंने दिया हुआ है ऑन ऑफ का भी, और गिटार का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये इको का दिया हुआ है, ये माइक वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये मेन वॉल्यूम दिया हुआ है। काफ़ी एक अच्छी सी इन्होंने लुक के साथ बनाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत चीज़ बनाई हुई है। और इसके बैक का भी सिस्टम देख लेते हैं किस तरीके का है। ये दोस्तों बैक साइड का भाई दिखा देता हूँ मैं, ये इस तरीके की ट्रॉली बनी हुई है इसमें, ठीक है। और ये DC 12 वोल्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है भाई, और ये आगे इसका सुराख, ठीक है। और इसमें ये इन्होंने बताया हुआ है, ये ब्रांडिंग दी हुई है इसकी, स्पीकर का बताया हुआ है, और ये फलाना फलाना सीरियल नंबर, और ये आ गया रेडियो पाकिस्तान, जो बहुत कम ही लोग सुनते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जाने पर, इसका साउंड चेक कर देते हैं किस तरीके का साउंड है। और आपने बॉडी तो देख ली होगी कैसी इन्होंने बनाई हुई है, एक सॉलिड बॉडी बनाई हुई है। दोस्तों आपने देख लिया किस तरीके का साउंड है USB का, एक अच्छा क्लियर साउंड निकल रहा है, बेस भी निकल रही है, ट्रेबल भी निकल रहा है, और एक अच्छा जम का साउंड निकल रहा है, फट नहीं रहा है साउंड, और खुली जगह पे और इसका साउंड खुलेगा, क्योंकि जिस तरीके का इसका पंच और साउंड क्वालिटी बता रही है, इसका साउंड और खुली जगह में और खुल जाएगा बस। और ट्रॉली स्पीकर में होता ही यही है कि ज़्यादातर जो है ना खुली जगह पे लोग चलाते हैं तो आवाज़ खुल रही होती है। तो अब इसका जो है हम माइक चेक कर देते हैं, माइक की क्वालिटी किस तरीके की है, और फिर जो है हम ब्लूटूथ चेक करने के बाद फिर इसको वाइंड अप करेंगे, और इसके रेट के बारे में बताएंगे एंड में आपको। ओके दोस्तों, देखते रहिएगा मेरी वीडियो लास्ट तक। जी दोस्तों, आपने देख लिया है माइक की क्वालिटी काफ़ी बेहतर क्वालिटी है, बहुत अच्छा साउंड निकल रहा है, क्लियर साउंड निकल रहा है, और रेंज भी काफ़ी अच्छी है। और अब इसका हम देख लेते हैं ब्लूटूथ का साउंड किस तरीके का है, और फिर जो है रेट के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपने देख लिया है इसका ब्लूटूथ का भी साउंड काफ़ी अच्छा निकल रहा है, सब में ओवरऑल सब में ही साउंड इसका अच्छा निकल रहा है, फट नहीं रहा है साउंड, और क्वालिटी भी ही यही है होनी चाहिए कि हर चीज़ में आपका अलग ही साउंड निकले।
और ये नहीं है कि एक मखसूस जगह पे आके साउंड फट जाए, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा साउंड है। और इसका बैटरी का बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट की पूरी बैटरी दी हुई है, 12 वोल्ट 4.5 एम्पीयर की इसमें अंदर बैटरी दी हुई है, तो तकरीबन 4 से 5 घंटे का बैकअप इसमें लाजमी आपको मिलेगा। और वुड बॉडी में है, बॉडी टूटने का भी ख़तरा नहीं है, और काफ़ी जो है वजनी जो है बैटरी बनाई हुई है, और काफ़ी जो है ना डीप भी, काफ़ी गहरी भी है। तो अब और बात की जाए तो एक अच्छा पैकेज के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। स्पीकर 8 इंच का है, लेकिन RMS इसके वाट जो है 40 वाट हैं। इतने वाट में आर्डियोनिक आपको 12 इंच में स्पीकर मिलेगा, और उसकी बॉडी का साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है। तो काफ़ी वजनी पेटी बनाई हुई है, चीज़ काफ़ी बहुत अच्छी बनाई है, और इसके रेट भी इन्होंने 15,000 रुपये रखे हैं। भाई अभी आज की मार्केट में 15,000 रुपये में 8 इंच का, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि रेट ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी का साइज़ और लकड़ी में है, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इस तरीके से की जाए तो इसके रेट तकरीबन अगर 12,000 रुपये या 11,000 रुपये में होता तो जब ठीक था, लेकिन ये है कि नई कंपनी है, थोड़े से रेट प्रॉफिट कम रखती तो जो है उठ सकती थी। लेकिन ये है कि ये भी अच्छी चीज़ है, अभी इन्होंने बनाया है, क्या पता आने वाले वक्त में थोड़े और जो है ना नए मॉडल जाने ला के थोड़े रेट कम लेकर आएँ। तो मेरी इनसे बात हुई थी, मैंने उनसे यही बोला था कि थोड़े से रेट आप अच्छे रखेंगे तो कस्टमर चीज़ मांगता है, नाम नहीं मांगता। ये भी काफ़ी जो है चीज़ देखने में आई है कि रेट जिसके कम होते हैं तो 10,000 से कम वाले ही रेट ज़्यादा ही बिक रहे होते हैं, और अभी इस कंडीशन में रेट काफ़ी ऊपर हो गया है हर आइटम पे, इंपोर्टेड आइटम पे रेट बढ़ने की वजह से। तो शायद क्या पता महंगा कंपनी को पड़ा हो। तो बहरहाल आखिर में बात यही करेंगे कि 15,000 में भी ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, सही रेट हैं। और अगर आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो भाई लाइक लाजमी कर दिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।